वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज बड़ी अपार कृपा है, गुरु नानक साहब महाराज जी के पवित्र पुन्नया का दिहाड़ा मनाया जा रहा है। संगतों के लिए बड़ा उत्साह है और संगत होमो आगे पुगे ने जिन्हें बाबा नानक सोलह साहब दर्शन कर रहे हैं। खालसा जी कर्म स्थान कीर्तन वध कर रहे हैं। बड़ी अपार कृपा है, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। महाराज जी बड़ी अपार कृपा है कि साहब की नौवीं जोत जो प्रगट हुए सन और वह भी साढ़े लागे के इलाके चो ने, तो बड़ी वही खुशी की गल है क्योंकि जो इलाके तो साढ़े को 40-50 किलोमीटर से बाबा बकाला साहब जिते गुरु साहब प्रगट हुए सन। अज बड़ी अपार कृपा दास की समूह संगत को रखण पुन की लख लख बधाई है और नाल ही संतों को यह बेनती करता है कि असं वध तो वध धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी जुड़िए, बाणी पढ़िए, क्योंकि गुरबाणी गुरबाणी ही जरा गुरबाणी इस जग में आना जोड़ा अगर सानू जमन मरण जो साढ़े गुरु लोग ने वे जमना से मरना अगर वो तो अभी छुटकारा पाना तो सू नाम सुनने वाली लगना पे उदो नाम सुनने को बना जोड़ा ना वो जो सा पाठ पारा नहीं बनता। इस करके भी बाणी जुड़ना है गुरु महाराज की प्रवर्तन जो भी साढ़ा सी चुके धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दिखे चुके और सब सिखर को हुक्म है गुरु मान्य ग्रंथ साहब की यही है और सानू वो जोड़े वो साढ़े ने अमृत वेला तो रह रहा है वेला सानू कभी नहीं अंदर ध्यान देना चाहिए कि सानू अमृत वेला जोड़ा गुरु महाराज ने बहुत दिखाया अमृत वेला सच नाम वड्याई किया अमृत वेले का जोड़ा नाम उतरन है यदा आनंद ही गुरु है। गुरु महाराज कृपा करण दास की यही बेनती है गुरु संगतान के और सत्ता साहब जी गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चलना महाराज सानू सारे अमृत वेले से जगने अमृत वेले गुरबाणी प्यार प्रकट कर इन्हें भजन करता दास करता है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।